हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये कैप बनाएंगे न्यू बोर्न बेबी के लिए। ये मैंने कैप रेडी की है। इस कैप को हम दोनों साइड से पहन सकते हैं। जैसे ये हमारी एक साइड है तो इस तरह से हम पहनेंगे, ये हमारी दूसरी साइड है। दो कलर का कपड़ा यूज़ किया है मैंने, तो इस तरह से भी हम पहन सकते हैं। इस कैप को बनाना भी एकदम ईजी है। न्यू बोर्न बेबी के लिए कैप बनाना शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। ये कपड़ा हमारा मेजरमेंट में यहाँ से 12 इंच है और इस साइड से ये हमारा 6 इंच है। इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये हमारी फोल्डेड साइड है, ये हमारी ओपन साइड है, तो यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इस साइड में भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशान लगा दिए हैं। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे सेंटर में। अब ये हमारा यहाँ से ये निशान है, इसको हम इस तरह से राउंड में ऐसे इस निशान से मिला देंगे। अब ये निशान मैंने लगा दिया है, इसको हम कट कर लेंगे। अब ये इस तरह से राउंड में मैंने कटिंग कर दी है। अब ये एक पीस बन गया है। ये मैं कैप इस तरह से बनाऊंगी कि हम दोनों साइड से इस कैप को पहन सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने दूसरे कलर का कपड़ा लिया है, ये हमारा फोल्डेड साइड है। यहाँ पे इसी तरह हम ये फोल्डेड साइड इसके ऊपर रखेंगे और बराबर करके कट कर लेंगे। ये दूसरा कपड़ा भी मैंने कट कर लिया है। अब ये पीस हमारा रेडी हो गए हैं दोनों। इसके बाद हम दो स्ट्रिप्स काटेंगे, ये हमारी फ्रिल बनेगी कैप के लिए। तो ये दोनों कलर लिए हैं मैंने, तो यहाँ से ये हमारी 2 इंच है, ये भी 2 इंच है हमारी। तो लंबे में हमारी यहां से ये 34 इंचेस है। अब इस स्ट्रिप्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ये डबल करके, तो यहां से हम सेंटर में कट लगा लेंगे। जैसे ये है हमारा, यहां से हम कट लगाएंगे इस साइड से भी, तो जब हम सिलेंगे तो हमें ध्यान में रहेगा। अब हमारी कैप की कटिंग हो गई है, तो ये हमारे 2 पीस हैं, इनको हम सिलाई लगाएंगे। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और ये पीस है यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाते हैं। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है दोनों पीसेस पे। यहाँ पे हमारा ये राउंड में है सिलाई, तो यहाँ से हम कट लगाएंगे सिलाई के पास से इसके इस पीस के ऊपर भी। ये दोनों पीस हमारे सिलाई लग गई है इनको। अब हम ये फ्रिल रेडी करेंगे, यहाँ हमें फ्रिल लगानी है। ये पट्टी है दोनों, हम ये राइट साइड है हमारी, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पूरे में। अब ये सिलाई हमारी लग गई है, इस पट्टी को हम इस तरह से यहाँ पे खोल के आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इस पट्टी को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करके आयरन करेंगे। अब ये स्ट्रिप्स हमारी रेडी हो गई है, इस तरह से मैंने आयरन कर ली है यहाँ पे, तो ये हमारी रेडी हो गई है। अब इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। जैसे एक पीस हम लेंगे इस तरह से, ये हमारा यहाँ सेंटर है, इसको भी हम कट करके यहाँ पे ऐसे नोच कर लेंगे। तो इस तरह से ये सेंटर पॉइंट निकाल लिया है, तो हमें इजी हो जाएगा सिलने में। अब ये सेंटर पॉइंट है और ये हमारी स्ट्रिप्स है, तो इसका हम ये पिंक वाली साइड इस तरफ ही रखेंगे इस तरह से, और ये इसका भी सेंटर पॉइंट है, इसको दोनों को ऐसे रखेंगे यहाँ पर। ये दोनों सेंटर पॉइंट यहाँ पे मैंने इस तरह से पिन लगा दी है। अब हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे, ये इस तरह से सेंटर में हम ऐसे एक प्लीट बना लेंगे। इस तरह के सेंटर निकालने से हमारी दोनों तरफ प्लीट्स बराबर आएंगे और यहाँ पे मैं पिन लगाऊंगी। अब फिर से हम एक और प्लीट डालेंगे इस तरह से, एकदम इक्वल रख के प्लीट्स डालने हैं। ये मैंने इस तरह से 2 प्लीट डाल दिए हैं, इसी तरह से हम बाकी के प्लीट डालेंगे। ये सारा कपड़ा हमारा इसी प्लीट में, इतने कपड़े में यहाँ पे प्लीट बनेंगे, तो सारे में प्लीट्स डालते हैं। अब ये प्लीट्स मैंने डाल दिए हैं, एक साइड के हमारे डल गए हैं, दूसरी साइड में भी हम ये प्लीट्स डालते हैं इस साइड में। ये हम इसी तरह डालेंगे जैसे ये डाले हैं, इसी डायरेक्शन में हमारे आएंगे, ऐसे पूरे में डालते हैं। अब ये प्लीट्स मैंने डाल दिए हैं इस तरह से पिन लगा के,
अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है पहले, जिससे कि हमारे ये प्लीट सेट हो जाएंगे। तो सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब ये सारी पिन्ने हम निकाल लेंगे। अब ये फ्रिल हमारी लग गई है। अब इसके साथ हमें ये दूसरा पार्ट जोड़ना है। तो जैसे हमारा ये है, यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे इसका भी। अब ये पार्ट है हमारा, यहाँ पे मैंने फ्रिल लगाई है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे मैंने कट लगाया था। अब इस सेंटर पे ये वाला सेंटर है हमारा, इसको रखेंगे, लेकिन इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड हमारी इस तरह आएगी। ये दोनों सेंटर ऐसे मिलाएंगे, ये कपड़े का सेंटर और इसका कैप सेंटर दोनों को मिला के यहाँ पे पिन लगा लूँगी मैं। अब ये कपड़ा है, इसके साथ हमें ये फ्रिल हमारी इसी तरह रहेगी, और यहाँ से हमें इस कपड़े को सिलना है यहाँ तक, और ये साइड का है, ये भी हमें इस तरह से सिलना है। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है इस तरह से, ये हमारी दूसरी साइड की सिलाई है। ये हमारा अब खुलेगा, देखिए इस तरह से। अब ये मैंने सीधा कर दिया है कैप को। ये देखिए हमारी फ्रिल इस साइड वाली इस साइड में आई है, और ये साइड की हमारी इस तरफ आई है इस तरह से। अब ये फ्रिल है हमारी, यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे, जिससे हमारा ये दोनों कपड़े एकदम बैठ जाएंगे। अब यहाँ से हमें सिलाई करनी है, यहाँ तक एकदम फिनिशिंग वाली आनी चाहिए। दोनों साइड में देख के हम करेंगे कि हमारी बराबर आए। तो सिलाई लगाते हैं यहाँ पर। अब ये फ्रिल हमारी लग गई है। अब यहाँ पे हमारी एक पट्टी लगेगी, तो ये मैंने एक पट्टी ली है। ये हमारी मेजरमेंट में यहाँ से 12 इंच है, 12 इंच है, तो ये हमारी डबल में है। सिंगल करेंगे तो हमारी ये 24 इंच हो जाएगी। अब इस पट्टी का भी हम ये सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे दोनों साइड से। अब जैसे ये कैप का हमारा ये साइड है, यहाँ पे हमारी सिलाई है, तो ये हमारी पट्टी है, ये हमारी पट्टी का सेंटर है। तो इस पट्टी को हम इस तरह से सेंटर मिला के ऐसे रखेंगे, और यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये पोर्शन और ये पोर्शन सिलते हैं। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है, ये कपड़ा हमारा जॉइंट हो गया, यहाँ तक सिलाई लगाई है। अब ये हमारी पट्टी है, इसको हम इस तरह से निकालेंगे। अब ये स्ट्रिप्स इस तरह से रखी है, यहाँ पे हम इतना फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे आयरन कर लेंगे। अगर हमारे से ऐसे नहीं होता तो आयरन कर लेंगे ऐसे। ये पट्टी हमारी ऐसे फोल्ड हो गई है। अब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ये पूरा फोल्ड आएगा हमारा ऐसे, और यहाँ तक सिलाई लगाते हैं। अब ये स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे लगा दी है, इस तरह से हमारी ये लगी है। ये डोरी है हमारी, यहाँ पे ऐसे ही लग रही है। तो यहाँ पे मैं ये दो फ्लावर बना के लगाऊंगी। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, ये पीस है हमारा 2.5 इंच। यहाँ से भी दो ब्लॉक लिए हैं मैंने। अब ये ब्लॉक है हमारा, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा ऐसे फोल्ड हो गया है। ये पट्टी है, इसको हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे, और फिर से एक और फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है, यहाँ से हम इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे, और ये कपड़ा है, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये सीधा हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा इस तरह से ये एक फ्लावर जैसा बन जाएगा, लटकन जैसा हो गया हमारा। अब ये एक साइड में हमारा लग गया है, दूसरी साइड में भी हम इसी तरह लगाएंगे। अब ये देखिए हमारे ये लग गए हैं फ्लावर जैसे। अब ये हमारी कैप बन गई है, इस तरह से हमारी कैप की शेप आई है। ये हमारी अंदर से इस तरह से आएगी, जैसे बेबी को हम पहनाएंगे इस तरह से, तो यहाँ से ये हमारी बांधने की पट्टी आएगी। जब हम पहनाएंगे तो ये फ्रिल है हमारी एकदम बहुत ही अच्छी लगती है चेहरे पे बच्चे के, इस तरह से हम बांध लेंगे। ये हमारी एक साइड से इस तरह से पहन सकते हैं हम, और ये हमारी दूसरी साइड है, यहाँ से भी हम पहन सकते हैं। दोनों साइड से इस तरह से आएगा, दूसरी साइड से हमारा ये हमारा अंदर रहेगा इस तरह।
ये कैप मैंने दो कलर से बनाई है, ये हम दोनों साइड से बच्चे को पहना सकते हैं। अब हमारी कैप बन के रेडी हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।